भाई डालते ही जा रहा है ना, रुक रहा ही नहीं। टहल के जरा वॉकिंग करके आओ बोल रहे, यहाँ पर चल फिर के आओ, फिर उसके बाद खाओ बोल रहे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद, सुस्वागतम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एसआर स्टार, दिस इज़ रहीम। तो हो रहे हैं सुबह के 12 और हमारा खाना पीना चालू हो गया फिर से दोबारा। रमज़ान ख़त्म हो गए, मैं वापस हैदराबाद भी आया, एक वन वीक से नांदेड़ में था, अभी हैदराबाद आ गया। तो आज है जुमा का दिन, जुमा की नमाज़ भी हम लोगों को पढ़ना है और बाकी एज इट इज़ जैसे रेगुलर जो ऑफ़िस के काम हैं वो भी करना है। तो भाई अभी ऐसा है, थोड़ी आने के बाद मौसम चेंज होने की वजह से जो रैंडम बारिश आ रही, कभी भी बारिश आने की वजह से थोड़ा मेरे को हो गई सर्दी, जुकाम आ गई। तो अपन क्या करेंगे, पहले मेडिकल से ले लेंगे लिबोसिट्रजीन, सिट्रजीन या कुछ तो भी ले लेके कर लेंगे, निकलेंगे बस। डालो भाई, फुल कर दो, फुल करो, फुल भाई। जुमा की नमाज़ अभी हम यहाँ सनत नगर में पढ़ लिए, यहाँ अमीर पेट में हम लोगों का खाने का प्लान है, अभी जगह तो डिसाइड नहीं है, चलिए देखते हैं कहाँ पर खाते हैं। दो तीन रेस्टोरेंट घूमने के बाद हम लोगों का डिसाइड हुआ कि फाइनली सुबह गारी में जाएंगे और सुबह गारी की वेज थाली खाएंगे और उसका बहुत सारा लंबा चौड़ा ये आपके सामने मेन्यू है, एक बार पॉज करके देख लो। चलिए अंदर चलते हैं और शुरू कर। अभी नहीं, यहाँ के पूरे चीज़ें ख़त्म करने आ रहा, देखो यहाँ जीते कर, यहाँ ये पूरे लगे, यहाँ हमारे पत्ते में, हमारे हुसैन भाई के और हमारे मूर्ति भाई के पत्ते में डालेंगे पूरे। चलो वो शुरू करो, अभी क्या स्वीट आइटम ही डाला पहले। चलो जबरदस्त, देखिए क्या था मेरे ख्याल से, ये दाल, ये सेवियाँ हैं मीठे, ये मेरे ख्याल से जो भी चटनियाँ हैं अचार हैं, और उसके बाद ये भी स्वीट भजिया टाइप में है। अब इसके बाद दे रहा देखो ना रागी ना, पेरू बाबू सरारी सर, हाँ हरी 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 सुपर स्टार है क्या सर्विस, हरी सुपर स्टार है बोल रहे ना। चलो अब ये सब्जियाँ हैं भाई, चपाती को कुछ आता नहीं आता इसको, अंदर राइस आइटम, अच्छा आंधा स्पेशलिटी ओनली राइस आइटम, पनीर पनीर आ रहा ना रे भाई, मेरे को भी आता ना, फिर ना मेरे आने के बाद देखेंगे भाई। देखो ना करियों की दुकान लगा दिया, यहाँ पे पनीर है, यहाँ पे दाल मेरे ख्याल से पालक में है, और ये कुछ क्या है रे भाई, एक सब्जी है, फिर ये कद्दू और ये पत्ता गोभी है, फिर उसके बाद ये चना बलोचर, बलोचर ओ इमली की चटनी है, बलोचर बोले तो इमली की चटनी है, खाओ तुम एकदम पुली हो रहा। लेमन राइस, ज़ीरा राइस भाई डालते ही जा रहा है ना, रुक रहा ही नहीं, डालते ही जा रहा, डालते ही जा रहा, रुक रहा ही नहीं। आओ डालो 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 डालो, तुम डालो खा रहे क्या है, मेनू का नाम बोल दे भाई, कुछ नहीं बोल तो तुम बोलो। ये लेमन राइस और अच्छा रहता है, हमारे को मालूम है, पनीर के साथ हम ये ज़ीरा राइस मिर्ची, यो मिर्ची मिर्ची तेज़ मिर्ची आ रहा हुसैन भाई। आज ने क्या वेज खाने का मूड था, तो वेज खाने के चक्कर में मुसापेट से हीरा गड्ढा, सनत नगर, अमीर पेट, पूरे होटल घूम के आके प्योर वेजिटेरियन, अभी खाने में जो मज़ा आ रहा, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा, आप आखिरी किरा गडम है भाई। चलो किसकी चॉइस भाई, लाइन है बिल भी आप दे रहे ना, हमारे हुसैन भाई, हुसैन भाई की तरफ से दावत है आज, वो मट्ठा लाया ने, आई थिंक छाछ है और उसके बाद दही भाई, जो फ्राई आइटम है काफ़ी बढ़िया है, ये भी एक नंबर। भाई अभी राइस डाले, नहीं ये क्या है, पहले ये घी डाले, अच्छा घी डाल रहे, इसमें ओके, ये कौन सा पाउडर है, ओके आई थिंक मेरे ख्याल से पुदीने का पाउडर दिख रहा है भाई, कोई तो भी चटनी है
फली की है शाम ग्रीन पत्ती है, करिया पाक नहीं रहे, वो है अपने पुदीना मिंट ठीक है। चलो जो भी है, अभी हमारी थाली सजते जा रही है, डाल दे ही जा रहा भाई। जो ये अपना जो वाइट राइस है, वाइट राइस में ये फली मूंगफली की चटनी अभी मेरे को टेस्ट करने के बाद समझ में आया, ये कड़ी पत्ते की चटनी है। अब इसको जब घी में मिला के जो खाने का जो एक एंटिक टेस्ट है, एकदम हाईलाइट एक्सपीरियंस है, टोटली डिफरेंट है। हाँ हुसैन भाई, क्या बोलते हुसैन भाई, कैसा है? सुपर जबरदस्त, एक यूनिक टेस्ट है और एक क्या बोलेंगे उसको, एक न्यू एक्सपीरियंस है मेरे लिए। तो वी आर फीलिंग दैट वी आर इन विलेज, प्योर विलेज, वी आर इन प्योर आंध्रा, प्योर आंध्रा टेस्ट, एक विलेज का जो ऑथेंटिकेट टेस्ट है। एटमॉस्फेयर देखे तो आपको नॉर्मल रेगुलर रेस्टोरेंट के जैसा एकदम, बट खाने में जो फीलिंग है एक ऑथेंटिकेट जैसा, एक विलेज टाइप की जो फीलिंग है वो यहाँ पे दिख रही है, बहुत मज़े की चीज़ है। चलो बस अब ज़बरदस्त कड़ी देखो, यहाँ पे कड़ी डाल के अभी खा रहे आर हुसैन भाई ने तो दे दिए, और खाना तो अब नहीं जा रहा, इन्हें बेचारा क्या बोल रहा, ज़रा टाइल टाइल के खाओ बोल के, हमारे सर भी देखिए ज़रा एकदम टाइल के, ज़रा वॉकिंग करके आओ बोल रहे, यहाँ पर चल फिर के आओ फिर उसके बाद खाओ बोल रहे हैं इसके साथ। तो बंदा बोल रहा है कि थोड़ा भैया टहल लीजिए उसके बाद खाइए, बोले आप क्या खाएंगे यार, पेट की कैपेसिटी होती है। हमारे हुसैन भाई भी आखिरी क्यों थक गए यार, मूर्ति वही लेकिन दे सफा चट कर दिया पूरा सब खत्म, एकदम पुराने शहनशाह हो हमारे शहनशाह, कीप इट ऑन, ऐसा डाल के फिरा दिए बोले पूरा बटर मिल्क पी रहे भाई, नहीं जाती भाई ये हाईलाइट है, आखिरी जो इन्होंने जो चीजें दे रहे हैं। आखिरी में जातो को पान दिए, जब से हम लोग एक घंटे से जुम्मा की नमाज पढ़े, जुम्मा की नमाज के बाद से पंजा गुट्टा अमीर पेट सब तरफ घूम लिए, और देखिए कहाँ अच्छा खाने का रहेंगे रास्ते में जितने भी थे वापस जाने के लिए। तो आखिरी में हमारे हुसैन भाई की तरफ से सुब्बैया गारी डिसाइड हुआ, हमारे मूर्ति भाई बोले चलो जाएंगे कहेंगे जाके दबा के खा लिए, पलट के आज तक 900 रुपए की बिल, जब खाने के बाद बिल सुना 300 पर प्लेट था, आई थिंक मेरे ख्याल से 200 या 250 रीजनेबल था, 300 बोले तो चलो ठीक है, अमीर पेट है, पूरे बाहर वाले आके रहते हैं बेचारों ने ले लिए, लेकिन टेस्ट अच्छा था, लेकिन थोड़ा प्राइस मेरे को बहुत ज्यादा दिखा। हमारे मूर्ति भाई को क्या बोलते, मूर्ति भाई ओके प्राइस थोड़ा ज्यादा है, मूर्ति भाई तो काकीनाड़ा के जो रेट है उनके हिसाब से कितने रहे, 150 रुपये मूर्ति के पास, तो काकीनाड़ा में 100 रुपये 150 रुपये में रहता ऐसा बोल रहा था मूर्ति, 150 में रहता आखिरी। अब यहाँ जाके अमीर पेट में देखे तो ना, हैदराबाद का मेट्रो का रेट लगा दिया, खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा, फिर हमारे हुसैन भाई बोले थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, बोले तो ठीक है पास सही है। चलो हुसैन भाई के गाय से गए, हमारे हुसैन भाई की ख्वाहिश थी जो जाएंगे बोल के जाके आए, बहुत दिनों का बोले बिरयानी तंदूरी वगैरह सब चीजें खा लिया, तो एंटीक खाने का था तो गए, अच्छा था एक्सपीरियंस, अच्छा है लेकिन प्लेस भी अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है लेकिन थोड़ा कॉस्ट ज्यादा था, बाकी सब चीजें बढ़िया है, अच्छा है बढ़िया। टोटल क्रेडिट गोस टू मिस्टर मूर्ति गार्ग, अच्छा TSLN मूर्ति TSLN मूर्ति। तो हो गए आज के सारे काम, जुमा का आज दिन था, जुमा की नमाज़ थी, फिर उसके बाद एक दो काम थे वो काम कर लिए, जो हमने दोपहर में खाने का जो प्लान बनाए थे थोड़ा एक दो जगह घूमे, फिर उसके बाद डिसाइड हुआ कि सुबह गाड़ी में खाएंगे, हुसैन भाई ने निकाले, फिर हमारे मूर्ति भाई ने बोले चलो यहाँ जाके खाएंगे, तो चलो खा लिए काफ़ी मज़ा आया, बहुत अच्छा खाना था, और तो रेट वेट का भी थोड़ा हंसी मजाक की बात है, चलो चलते रहता लेकिन वैल्यू फॉर मनी है, 300 रुपीज़ में और क्या होना भाई, सब सारी चीज़ें हैं आपको, इतनी सारी वेराइटीज़ दे रहे हैं खा रहे हैं। लेकिन एक ख़ास बात भाई बहुत अच्छी दिखी मेरे को इस सुबह गारे रेस्टोरेंट की, आप खाते खाते थक जाएंगे लेकिन उन्हें डालते डालते नहीं थकेंगे, उन्हें डालते ही रहेंगे खाओ सर बोल रहा, उन्हें थोड़ा टहल के आके खाओ, थोड़ा चल फिर के आके खाओ, अरे वही कितना खाएंगे एक आदमी लिमिट के हिसाब से, ऐसा आदमी रहना भाई, ले बशीर दे बशीर, उन्हें राइट देखता ना लेफ्ट देखता, बस नीचे मुंडी डाल के ये दिए वे दिए बोले जैसा रहना कोई, तो वो आदमी पैसा वसूल करता वहाँ पर, और हमारे जैसे तो क्या है थोड़ा बहुत खा लिया हम लोगों ने, फिर भी कोशिश तो करे खाने की लेकिन नहीं गया भाई,
अच्छा टेस्ट है। आप कभी गए तो सुबह खारी में ट्राई कीजिए। तो अभी देखिए क्या टाइम हो रहा है, 7:45 हो रहे हैं अभी। चलिए ऑफिस के टाइमिंग वगैरह भी ख़त्म हो गए, अब हम निकले हैं घर के लिए वापस। और जो सुबह खारी रेस्टोरेंट है अमीरपेट में सत्यम थिएटर के पास है, आप ऑनलाइन में गूगल में भी सर्च कर ले सकते हैं। अगर आपको खाना है तो आके ट्राई कीजिए, अच्छी चीज़ है। अगर न्यू कुछ यूनिक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं ज़रूर आइए और खा के जाइए। भाई रमज़ान होने के बाद मैं आए जब से देख रहा हूँ ऐसा माहौल में, वो क्या बोलेंगे, एक उदासी और एक महीने हम एक एडिक्ट हो गया रहते एक माहौल के, जो रमज़ान में जो मज़ा आ रहा था, जो रमज़ान का जो माहौल था, एक अजीब रौनक और उसकी एक अजीब मज़ा ही रहता भाई। रमज़ान की एक बरकतें अजीब रहता, बहुत एक चीज़ रहती, वो यादगार यादें रहती है। अब रमज़ान के बाद आज देखो भले ही हर जगह लाइटिंग चकाचौंध है, लेकिन वो बोलते ना जो माहौल में एक जो नूरानी है, तो एक जो मज़ा आना चाहिए वो मज़ा नहीं आ रहा। वो मज़ा जो एक जो दिल से जो फील आता है ना, वो मिस कर रहे हैं। रहता भाई एक 10-15 दिन तक ऐसी ही फीलिंग आती, उसके बाद रेगुलर लाइफ हो जाती। तो अभी फ़िलहाल तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए टेक केयर, ऑलवेज़ वियर द हेलमेट, ऑलवेज़ वियर द सीट बेल्ट, ड्राइव सेफली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।